तो गाइज आज हम ये बंगाली रसगुल्ला बनाने वाले हैं। ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बनता है और इस रक्षाबंधन आप इसे बना सकते हैं। और आप इसका स्पंज देख सकते हैं, बहुत ही स्पंजी बना है। तो आप ये रेसिपी को देखिए। हे गाइज, वेलकम टू आवर चैनल लेसन फूड। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बंगाली रसगुल्ला की रेसिपी। तो उसके लिए 1 लीटर दूध ये बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है गैस पे। तो गाइज ये देखिए, दूध हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। तो ये 2 नींबू को निचोड़ लिया है, उसमें 1 चम्मच पानी डाला है। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे दूध को फाड़ने के लिए। एक साथ सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। देखिए दूध फटना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए गाइस, दूध फट चुका है। अब इसे हम छानेंगे, छान के कपड़े में बांध लेंगे। किसी भी कॉटन के कपड़े में या रुमाल में बांध लीजिएगा टाइट, उसका पानी अच्छे से निचोड़ के। पानी निकाल के गाइस एक बार आप पानी से अच्छे से धो लीजिएगा, ताकि इसमें लेमन का जो लेमन जूस है वो अच्छे से निकल जाए। तो एक बार अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिएगा, फिर कपड़े में बांध लीजिएगा। और गाइज अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप नींबू के जगह पे सिरका का भी यूज कर सकते हैं, विनेगर का। तो गाइज अब हम रसगुल्ला के लिए चाशनी बनाएंगे। तो इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। एक कटोरी चीनी डालेंगे, मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। गाइज इसमें 2 इलायची को कूट के डाल लें, या फिर आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो डाल लें। अब इसको खोलने देते हैं चाशनी। अब गाइज इसको एक तार की चाशनी बनानी है, तो बनता है फिर दिखाती हूँ। अब गाइज इसको मसल मसल के, जो छेना बनाया है इसको मसल मसल के चिकना करेंगे। इसको रुमाल में बांध लिया था तो ये एकदम ड्राई है, इसको चिकना करना है। थोड़ा प्रेशर डाल के दबाइएगा। ये देखिए गाइस, इससे मसल मसल के चिकना कर लिया है। आपको भी इतना ही मसलना है। अब इसके बॉल्स बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा लोई लेके। साइज अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा रख सकते हैं, जितना भी बड़ा रखना हो आपको। ऐसे गाइस बॉल्स बना लेंगे, लोई लेके हाथ में ही गोल करके एकदम चिकना करके, और फिर बॉल्स बना लेना है ऐसे ऐसे ही सारे बना लेते हैं। ये देखिए गाइस, चाशनी हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे ये रसगुल्ले। साइज गाइज मैं फिर से बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो सबको डाल लेती हूँ मैं। ये देखिए गाइज सबको डाल लिया है। अब गाइज 5 से 10 मिनट इसको रहने देंगे, ताकि ये फूल जाए, स्पंजी हो जाए, इसका साइज भी बढ़ जाएगा। तो 5 से 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, रसगुल्ले हमारे रेडी हो गए हैं। साइज भी आप देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है, बड़े हुए हैं देख सकते हैं। तो आप उतना भी छोटा बना रहे हैं तो इतना हो जाएगा ये, बाकी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये रेडी हो गया। अब हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे बोल में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, रसगुल्लों को मैंने सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये बहुत ही स्पंजी हुए हैं ये आप देख सकते हैं। तो ये रेसिपी आप ट्राई करिएगा, ये रक्षाबंधन में आप ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो गाइज ऐसे आप बना के देखिएगा, ये बहुत इजी है, फटाफट बनता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत अच्छे बनते हैं। इसको अभी आप फ्रिज में रखिएगा, हम भी इसे अभी फ्रिज में रखेंगे, ठंडा होने देंगे, फिर इसे खाइएगा तो इसका टेस्ट और बढ़ेगा। और गाइज अभी फेस्टिवल स्पेशल, बहुत सारे मिठाई, स्वीट्स और बहुत सारे नए नए तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपीज आने वाली है चैनल पे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।